प्रेस क्लब रामगढ़ की ओर से रविवार को बिजुलिया स्थित प्रेस क्लब भवन में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से 183 से अधिक पत्रकार शामिल हुए। सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब रामगढ़ के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि रामगढ़ प्रेस क्लब कितना सार्थक है रामगढ़ के पत्रकारों के लिए। उन्होंने कहा कि क्लब पत्रकारों के हित में सदैव सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, भविष्य में भी प्रेस क्लब रामगढ़ मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में प्रेस क्लब रामगढ़ के पत्रकारों के लिए कई योजनाएं लाने वाला है। आम सभा के दौरान पत्रकारों के बीच वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। क्लब की हो चुकी गतिविधियां और आगामी गतिविधियों के बारे में पत्रकारों के बीच रखा गया। आम सभा के दौरान पूरे जिले भर से कई पत्रकार मौजूद रहे। आम सभा के दौरान प्रेस क्लब रामगढ़ के सचिव योगेंद्र सिन्हा ने क्लब के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने क्लब की शुरुआत से लेकर अब तक के कार्यों का लेखा जोखा दिया। प्रेस क्लब के संरक्षक अमित कुमार सिन्हा ने कहा कि रामगढ़ जिला में पत्रकार एकजुट हैं। उन्हें पीसीआर के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर से अब तक और आने वाले दिनों में पीसीआर सदस्यों के हित के लिए हमेशा आगे रहने वाला है। इसके साथ ही प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल ने कहा कि प्रेस क्लब रामगढ़ ने यह मुकाम हासिल किया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको धरातल रूप देने की कोशिश की जाएगी, ताकि प्रेस क्लब के सदस्य निर्भीक होकर आगे बढ़ सके। प्रेस क्लब रामगढ़ का AGM आज बिजुलिया स्थित प्रेस क्लब में आयोजित की गई थी। इस क्लब में जिले भर के 183 पत्रकारों ने हिस्सा लिया और इस दौरान अब तक का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। क्लब की गतिविधियों से सारे पत्रकार बंधुओं को अवगत कराया गया। हम लोगों ने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई और आने वाले दिनों में क्लब पत्रकार वेलफेयर के लिए क्या क्या कदम उठाएगा इस बात से भी अवगत कराया गया। वर्तमान जो कमेटी चल रही थी उसका भी कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कोविड को देखते हुए फिलहाल 3 महीने का एक्सटेंशन आम सभा में पत्रकार बंधुओं के द्वारा दिया गया और बाद में चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और 1 जून से नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें नई कमेटी पुनः एक बार दमखम से जुड़ करके प्रेस के साथियों के वेलफेयर के लिए कार्य करेगी। या क्या है आज का कार्यक्रम, कैसा रहा आज? देखिए, वार्षिक आम सभा था प्रेस क्लब रामगढ़ का, पहली बार ये आम सभा हुआ है। इसमें पूरे जिले भर से पत्रकार पहुंचे, जिन्होंने अपनी समस्याएं रखी और कई अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया और बहुत बेहतर ढंग से ये आम सभा सम्पन्न हुआ और इसमें पत्रकार हित की बातें छनकर सामने आई और आने वाले समय में कैसे चुनाव कराना है, कैसे प्रेस क्लब का उत्थान हो, पत्रकार हित में क्या किया जाए, इन सब मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की। पत्रकार हित में बहुत सारे काम किए जा रहे हैं रामगढ़ में। हमारे बीच में पत्रकार प्रेस क्लब रामगढ़ के सचिव भी हैं योगेंद्र सिन्हा जी, इनसे भी जानेंगे क्या हुआ और कुछ क्या खास बातें हुई। ये पत्रकारों का वार्षिक AGM था, लंबे समय से हम लोग कोविड के कारण तो कुछ विलंब हुआ, लेकिन हम लोग आज उसको पूरा किए हैं। सर्वसम्मति से 11 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नए सेशन का चुनाव हम लोग करवाएंगे, 1 जून से नया सेशन शुरू कर रहे हैं। कुछ कोविड को लेकर के एक्सटेंशन किया गया है। इसके अलावा पत्रकार हित की बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आज बातचीत हुई है। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं, इनसे पूछेंगे कि कैसा रहा आज का कार्यक्रम। जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि यह कार्यक्रम पत्रकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और आज निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि यह पूरा कार्यक्रम जो है पत्रकारों के हितों के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके विकास के लिए से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें पूरे जिला के तमाम पत्रकार, करीब 150 पत्रकार शामिल हुए हैं और यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर आने वाले समय में क्लब और पत्रकारों के हित के लिए बेहतर होगा। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, चल चल धितरंगा, तब शुभ आमे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जब जय गाथा, जन गण मंगल।
बलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय जय।